बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शाहिद मलिक हूँ और आप देख रहे हैं TV24 चकवाल। TV24 चकवाल के तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, आज इस वक्त आप मेरे पीछे एक स्कूल का माहौल देख रहे हैं। ये मेरिडियन पब्लिक स्कूल फरीदकसर है और यहाँ पर एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। नाज़रीन, ये मेडिकल कैंप बिल्कुल फ्री और यहाँ पर मेडिसिन भी बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर कारे कमाल और फरीदकसर वेलफेयर ट्रस्ट फरीदकसर के जो दोनों ट्रस्ट हैं, इनके इश्तराक से ये मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। नाज़रीन, ये मेडिकल कैंप मेरिडियन पब्लिक स्कूल फरीदकसर में है। आइए आपको थोड़ा सा अंदर का माहौल दिखाते हैं और देखते हैं कि लोग कितने ज्यादा यहाँ पर जुड़ चुके हैं और इसमें कितने ज्यादा लोग यहाँ पे मौजूद हैं। नाज़रीन, यहाँ पर कारे कमाल में और जो स्कूल है, अगर आप उसको देख सकें, कारे कमाल और ने अपने स्पॉन्सर जो है वो शो किए हुए हैं कि कौन कौन से उनके स्पॉन्सर हैं और इसी के साथ ही कारे कमाल ने उनके क्या अगराज मकासद हैं, अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये है कारे कमाल के अगरा, ये नवीन कार्य कमाल के अगराज मकासद हैं। यहाँ पे एक बेहतरीन इंतजाम किया गया है मेडिकल कैंप का। और मजीद आपको ये बताता चलूं कि यहाँ पर न सिर्फ जो फरीदकसर जो ये मेरिडियन पब्लिक स्कूल है, इसके बच्चे भी इस कार्यकार में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। यहाँ पर ये बच्चे यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो कारे कमाल के अपने जो लोग हैं, जो उनका अपना पैनल है, जो उनके वर्कर्स हैं, जो फ्री ऑफ कास्ट और वॉलंटियरली इसमें शामिल हैं। नाज़रीन, यहाँ पर आप लोगों की एक बड़ी तादाद देख रहे हैं जिसमें कि लोग अपने इलाज के लिए, अपने चेकअप के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ थोड़ी देर बाद मौजूद होंगे कारे कमाल के सदर हैं अब्दुल हनान साहब, उनसे भी हम बात करेंगे कि उनके अगराज मकासद क्या हैं और ये क्यों आपने ये इनिशिएटिव लिया। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये नाज़रीन हमारे साथ आप, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अब्दुल हनान साहब थोड़ी देर बाद मौजूद होंगे, तो अभी अब्दुल हनान साहब प्रेसिडेंट हैं कारे कमाल के, तो इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि कारे कमाल क्या डील करती है, कारे कमाल है क्या और मजीद इसमें क्या बेहतरी लाई जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हनान साहब। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, पहले तो हमें ये बताइए कि कारे कमाल क्या है, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, इमेज दे दी बकरा देंगे। जी जी प्लीज। अच्छा, कारे कमाल बेसिकली ये एक आप कह लें कि एक ट्री है। जी जी। जो 35 सिटीज में स्प्रेड हुआ है। सही हो गया। लाहौर, रहीम यार खान, जंग, फैसलाबाद, जी जी, इस्लामाबाद, ये हर जगह जो है ये पूरा एक ट्री है जिसमें अपने रूट्स जो है हर सिटी में फैलाए हुए हैं। 35 सिटीज जो है अब तक कारे कमाल के, और उनमें से एक सिटी जो है वो कारे कमाल चकवाल है। जी जी। उसका प्रेजिडेंट मैं हूँ और हमारी जो CEO है वो लाहौर के हैं, राना बिलाल यूसुफ उनका नाम है। तो हमारी जो बेसिकली जो कारे कमाल का मेन जो विजन है वो ये है कि हम विडोज जो होती हैं, जो जिनके घर कोई कमाने वाला नहीं होता, जो जिनको हम अपने ऊपर क्या कहते हैं डिपेंडेंट नहीं कर रहे होते हैं, वो ऑलरेडी से जो है क्या कहते हैं उनके घर कोई कमाने वाला नहीं है, कुछ सिस्टम नहीं है, तो उनको हम मंथली बेसिस पर राशन प्रोवाइड करते हैं। फिर हम ऐसे देखते हैं कि कुछ फैमिलीज में ऐसे होता है कि जो यंग लड़के हैं जिनको कोई रोजगार नहीं लग रहा, तो उनको वो रोजगार स्कीम भी प्रोवाइड की जाती है। फिर ऐसे कुछ मेडिसिन के इशूज़ होते हैं, मेडिकल के इशूज़ होते हैं पेशेंट्स के, तो उनको मेडिसिन के तौर में फॉर्म किया जाता है। और ये डिफरेंट डिफरेंट आप हमारी डोमेन्स हैं जो जिनको हम ले के ये चलते हैं, जिसमें आपको राशन की मैंने बताई, मेडिसिन की बताई। फिर इसके अलावा जो हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं फ्री मेडिकल कैंप अरेंज हुआ है जिसमें डॉक्टर्स भी हैं और पैरामेडिकल स्टाफ भी है, जिसमें फ्री मेडिसिन भी प्रोवाइड करें, और इसी तरह बाकी विजिट्स भी होते हैं। और फिनिज विजिट होता है जिसमें आप यतीम खाने में जाके उनके साथ खेलते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, ताकि आप एक इंटरनल पीस जो होता है वो आपको गेन हो। लाइक जिस तरह फादर्स डे, मदर डे, पेरेंट्स डे और टीचर डे, उस तरह की भी होनी, वो तो हर बंदा करता है। ठीक है, अब ये देखें ऑर्फनेज विजिट है, अब में से अब कितने लोग हैं जो यतीम खाना है जाके उनके साथ बच्चों के साथ खुशी मनाते होंगे, उनके साथ खेलते होंगे, उनके साथ खाना खाते होंगे, बहुत कम लोग होते हैं। तो यही कारे कमाल की ये खसूसियत है कि वो हर उस लेवल तक जा रहा है जहाँ तक कोई बंदा नहीं जा पाता। मैं उम्मीद करता हूं मेनली जो इंटरनल पीस हो गेन करना चाहिए, मेंटल पीस होना चाहिए और अगले बंदे को आप सेटिस्फाइड करें, ये हमारी जो डिमांड है। तालीम के हवाले से भी आप बता रहे हैं कि तालीम के हवाले से भी आप फ्री, जो इसके अलावा जो आप करते हैं लोगों को ऑनलाइन जो तालीम दे रहे हैं, उसके बाद ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर भी आप कुछ बता रहे थे।
अभी गुजरांवाला में अभी स्टार्ट रिसेंटली हुआ है अलिफ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। जी जी, वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, जितने भी छोटे बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, यतीम हैं, उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर स्कूल का प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हुआ है। तो इंशाल्लाह ऐसी मजीद और सिटीज़ में, चकवाल में, लाहौर में, गुजरांवाला में मजीद स्कूल्स भी बनेंगे और उनको प्रोवाइड फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाएगी। माशाल्लाह आपने एक बहुत ज़बरदस्त सेटअप बनाया कार्यक्रमाल का। आपके साथ ये वॉलंटियर्स बहुत जुड़े हुए हैं। जी जी, तो ये आपने इसको जो मैं कहता हूँ कि जो हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं है, लोगों के जज्बे की कमी नहीं है, आपने इन लोगों को अपने साथ कैसे मिलाया, ये इन लोगों ने आपसे रब्ता किया, आपने इनके साथ किया, कैसे ये सारा कुछ आप मैनेज कर रहे हैं? हमारी एक अच्छी बात ये है कि हम हर मंथ जो है इंडक्शन करते हैं कार्यक्रम के। जी जी, इंडक्शन हमारी इस तरह होती है कि हम स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करते हैं, वहाँ की जो यूथ होती है उनको अपने साथ चीज़ें बताते हैं, अपने डोमेन्स बताते हैं, अपने जितने प्रीवियस वर्क होते हैं वो दिखाते हैं प्रोजेक्टर पे, प्रॉपर उनको बताते हैं, चीज़ बताते हैं और वो हमारे साथ तब ज्वाइन करते हैं। और हर मंथली बेसिस पे इंडक्शन होती है और न्यू मेम्बर्स आते रहते हैं और इसी तरह आपका जो टीम है वो स्ट्रॉन्ग बनती है। मुझे आप ये बताइए कि अक्सर हमने देखा ये है कि हमारे जो जिस एज के आप हैं, मेरी एज 50+ होगी है, 50 होगी है, आपकी जो एज है इसमें बच्चों के खेलने के दिन होते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, नेट यूज़ करते हैं, लेकिन आपने ये कैसे सोचा, इसकी तरफ कैसे आए, कार्य कमाल बनाया, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, उनके डोर स्टेप पे जा रहे हैं और उनको आप राशन प्रोवाइड कर रहे हैं, हर तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ये आपके जहन में कैसे आया? ये देखिए मेन बेसिकली बात है कि मेरी तो इतनी हैसियत नहीं है, मैं किसी के खाके खाक कुछ भी नहीं हूँ, मेरी इतनी औकात ही नहीं है, ये सब अल्लाह पाक का करम होता है जो इस राह पे हमें ले आते हैं। मैं साथ स्टडी भी कर रहा हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी को भी टाइम देता हूँ, साथ जॉब भी करता हूँ और साथ ही इसको भी टाइम देते हैं। तो ये हर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि बस ये अल्लाह ताला का करम होता है, ये स्पेसिफिक नहीं होता कि आप अगर इस काम में आते हैं तो आप अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे या आप जॉब नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ हो रही है। मैं अपनी जो ज़रूरत हैं वो भी सारी पूरी कर रहा हूँ, अपनी पढ़ाई भी पूरी करता हूँ और साथ इस चीज़ को भी लेके चल रहा हूँ। तो ये मेन बेसिकली अगर कह लें कि जो क्रेडिट जाता है ये सारा अल्लाह पाक का करम है। तो ये जो दवाइयाँ वगैरह और डॉक्टर्स को भी पे करते हैं या ये भी वो वॉलंटियर्स? नहीं, हम जो हमारा फ्री मेडिकल कैंप है इसका मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट। जी, हमने किसी को कुछ डॉक्टर्स को कुछ पे नहीं किया, उनसे कन्विंस करते हैं हम, कन्विंसिंग पावर होती है, उनके पास जाकर उनको ये डोमेन चीज़ें बताते हैं, ये करते हैं। तो हर इंसान में एक अलग खौफ भी होता है और एक मदद करने की वो हाथ आगे बढ़ाता है। तो इसमें डॉक्टर्स ने हमारे साथ जो है कॉपरेट भी काफ़ी किया, फिर हमारे पास डिफरेंट स्पॉन्सर्स भी हैं जिन्होंने ये चीज़ देखी और उन्होंने कहा कि हम आपको स्पॉन्सर करते हैं, और इसी तरह हमने इस ये चीज़ को सेटअप किया और मेडिसिन बाय भी की और स्पॉन्सर्स की हेल्प लेके इस चीज़ को सेटअप किया। तो स्पॉन्सर्स हैं आपके या जो आपको वॉलंटियरली आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, इनकी जो सपोर्ट होती है इसके लिए वो आपसे भी कुछ रिटर्न मांग रहे होते हैं? लाइक जो हम सारे मफाद प्रस्त होते हैं, अक्सर देखा जाता है कि मफाद हम सब अपने मफाद की खातर कर रहे होते हैं। अब बात बिल्कुल ठीक है, मगर हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं वो अलग की राह में ये चीज़ देते हैं। जी, उनसे इन आउटकम उनको कुछ नहीं चाहिए होती कि आप हमें भी इतना प्रॉफिट करें या ये, वो उसमें कुछ चीज़ नहीं है। जी जी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल स्पॉन्सर्स करते हैं, कन्विंसिंग पावर हम यूज़ करके उनको कन्विंस करते हैं, उनको ये मैनेजमेंट दिखाते हैं और वो इसी तरह मतलब अलग ही राह में वो चीज़ ये देते हैं। कार्य कमाल का इसमें मजीद आप इसमें क्या बेहतरी ला सकते हैं, किस तरह का आप मजीद हो सकता है इसमें, आप क्या समझते हैं आप एज अ प्रेजिडेंट? मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह हम आने वाले टाइम में यूथ मोर इसको गेन करेंगे और मजीद हम बाकी विलेजेस में भी इसको करेंगे और अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे ताकि जितने भी लोग हैं वो हमारे साथ ज्वाइन करें और एज अ मेम्बर हमारे साथ काम भी करें और जितनी जो रेडोस फैमिली तहसील में हमारी अप्रोच होगी हम उनकी मदद करेंगे। ये जो अभी फरीदकसर वेलफेयर ट्रस्ट ने आपके साथ रब्ता किया, जी जी, और आई थिंक ये पहला आपका मेडिकल कैंप है? जी जी, तो इसमें और क्या बेहतरी आई है? तो हर कुछ ना कुछ इवेंट में कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, इंशाल्लाह उन कमियों को हम नोट डाउन करके फीडबैक लेके इंशाल्लाह उनको नेक्स्ट इंप्रूवमेंट भी करेंगे और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये थे दारे कमाल के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हनान साहब और इनकी आपने गुफ्तगू सुनी। मैं आपसे नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ साहब और इस तमाम जो यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप का इनाकाद किया गया इस तमाम में इनका जो मेन जो मुंतजमीन है इंतज़ामिया है उसमें इनका बहुत बड़ा हिस्सा है।
आइए इनसे बात करते हैं और इनसे मालूम करते हैं कि फरीद वेलफेयर ट्रस्ट फरीद कसर जो है इसका जो अगराज व मकासद हैं वो क्या हैं, और ये इनके ख्याल इनका जहन में ये ख्याल कैसे आया कि इनको इस तरह के एक्टिविटीज भी करनी चाहिए। इससे पहले अवाम की खिदमत अवाम की दहलीज के हवाले से अब ये एक प्रोग्राम पहले कर चुके हैं जिसकी वीडियो आप देख चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आसिफ साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक लाख लाख शुक्र है। क्या कहेंगे आप जो फरीद कसर जो ट्रस्ट है वेलफेयर ट्रस्ट फरीद कसर, इसके हवाले से इसके अगराज व मकासद क्या है और ये मजीद आगे आप इसको किस तरह एक्सपेंड करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह अभी आपने एक लफ्ज़ कहा था कि आवाम की खिदमत आवाम की दहलीज पर, तो आप इसको ये समझ लें कि हमारा जो वेलफेयर ट्रस्ट फरीद कसर है इसका जो सबसे मेन हम लोगों ने इसको फोकस किया हुआ है, इसमें सबसे पहले तो तालीम, उसके बाद इलाज मुआलजा, उसके बाद जो सोशल इवल्स है ना, समाजी बुराइयाँ छोटी मोटी जो है ना, इनको हम लोगों ने आस्ता आस्ता जो है ना डे बाई डे ख़त्म करना है। आपको पता है कि जो ये समाजी बुराइयाँ होती है इनको ख़त्म करने के लिए पूरा एक सोशल सेटअप की ज़रूरत होती है, और उसमें एजुकेशन का होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनको ख़त्म करने जाएँ तो वहाँ पर ये जवाब मिलता है जी कि ये हमारे बाप दादा से शुरू है। तो वहाँ पर सबसे जो मेन चीज़ है वो तालीम की आ जाती है, शऊर की आ जाती है। तो हमारा जो सबसे मेन टारगेट है आगाही है, मतलब शऊर की बेदारी है, ताकि लोग इस चीज़ को जो है ना आस्ता आस्ता ख़त्म करें। और फिर ये है ना कि हमारे गांव में हमारा जो टारगेट है कि कोई बंदा किसी की दहलीज पे मांगने ना जाए, बल्कि वेलफेयर ट्रस्ट का ये मकसद है कि हमें खुद इस चीज़ को एहसास हो, दूसरों को मोटिवेट करें और गरीब की जो मदद है उसकी दहलीज पर, उसकी गरीब को दहलीज पर उसकी मदद की जाए, मदद की जाए। आप मुझे ये तमाम जो सारा सेटअप है, ठीक है, पहले एक फरीद कसर वेलफेयर ट्रस्ट बनाया गया, फिर उसको चलाने के लिए उसके जो तमाम इंतजामात हैं और ये तमाम जो आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, इसका जो बैकग्राउंड है, हमें ज़ाहिर है जब एक ट्रस्ट चलता है तो उसको पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, तो वो कैसे आप इसको मैनेज कर रहे हैं? इतने ज़्यादा लोगों को आप, हमने रमज़ान में देखा आप लोगों ने लोगों को अफ्तारी वगैरह और उसमें भी लोगों को मदद की, ये सारा कैसे कर रहे हैं आप? जी इसमें उस दिन भी फरद भाई कह रहे थे कि ये पीछे जब आया था सैलाब जी, तो उसमें हम लोगों ने जो है ना डोर टू डोर जाके मस्जिदों में ऐलान करके वहाँ से फंडिंग की, वहाँ से तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए जो फंडिंग करके, फिर वो किसी के हवाले नहीं की, बल्कि जो ट्रस्ट के कुछ भाई थे ना वो उन्होंने खुद जाके डोर टू डोर जो है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, और वहाँ से ये जहन में आया। बल्कि फरद भाई उस दिन बता रहे थे कि वहाँ एक आदमी था, उसने कहा यार आप इतने दूर आए हैं मदद करने के लिए, क्या आपके पड़ोस पे को ऐसा बंदा जो खाना ना खाता हो, बीमार हो, उसको सेहत की सहूलत चाहिए, तो आप ऐसा करें कि ये काम अपने गांव से स्टार्ट करें। तो वहाँ से कह अच्छा इन्होंने इनिशिएटिव लिया वेलफेयर वालों ने, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी वेलफेयर के बिहाफ पे आप देखें क्या ये मेडिकल कैंप लगा हुआ है, ठीक है, और इससे पहले ये हमारे पास जो जनाजा गाह है इसकी तामीर पे तकरीबन राउंड अबाउट 1 करोड़ रुपया जो है ना, और इसमें सबसे ज़्यादा जो फंडिंग हुई है ये हमारे जो बैरून ममालिक भाई हैं उन्होंने, वो बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं और ये मंथली बेस पे कर रहे हैं। माशाल्लाह जी। सर बहुत आपका शुक्रिया, आपने हमें तक टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। ट्रस्ट फरीद कसर के तमाम जो मुंतज़मीन हैं, सदर और जो बॉडी है इसकी, वो तमाम मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि अगला जो इनका मिशन है वो क्या होगा और ये और मज़ीद क्या क्या करना चाहते हैं, इनके अगराज़ मकासद क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा एक पहले भी आवाम की खिदमत आवाम की दहलीज तक उसके लिए प्रोग्राम किया, अपना ईदगाह का आपने किया सारा कुछ, तो ये सारे काम जो आप कर रहे हैं, सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं कारे कमाल चकवाल जिन्होंने स्पॉन्सर किया आज का मेडिकल जी जी, और ये तमाम और खुसूसी तौर पर हमारे कमेटी मेंबर हैं आमिर साहब, इनकी बड़ी खिदमात है, फरीद वेलफेयर ट्रस्ट उसमें तावन कर रहे हैं जी जी। ये मेडिकल कैंप आज लगा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और हर तरह का चेकअप हो रहा है, मेडिसिन मिल रही है फ्री में,
तो ये पहला जो है, और ये सर हमारे साथ खड़े हैं नदीम साहब जी, इनकी काविश है ये, इन्होंने स्कूल की जगह सारी हमें दी है ट्रस्ट को, के ताकि अच्छे तरीके से मैनेज। बाकी सारे कमेटी मेम्बरान हफीज हैं, साथ भाई खड़े हैं, फरद भाई खड़े हैं, हमायूं हैं, हमारे सदर हैं ये ट्रस्ट के, तो सबकी कावश से ये मुमकिन हुआ है। तो बाकी हमारा ये है कि वेलफेयर ट्रस्ट का मेडिकल के हवाले से भी, बाकी जो शोबे हैं तालीम और जो फलाई काम है, जिस तरह आपने जनाजा गाह का, ये किसी एक बंदे का काम नहीं है, ये फरीद कसर वेलफेयर ट्रस्ट जो है इसका सारा ये काम है। तो इंशाल्लाह इसको जारी और सारी रखेंगे, और हम डिस्कशन में हैं कि जल्द अपने गांव फरीद कसर में एक हम जो है हॉस्पिटल छोटे पैमाने पर उसका करें, उसकी बुनियाद रखें, ताकि लोगों को आज के दौर में जो मेडिकल की फैसिलिटीज़ है वो उनके गाँव में ही मिल जाए। सही है। इसको जो फरीद कसर वेलफेयर ट्रस्ट है, इसको मजीद भी आगे एक्सपेंड कुछ शहरों गांव तक उम्मीद की जा सकती है? देखिए, हमारा पहला मकसद है, हमने एक एग्जांपल सेट करनी जी, ठीक है, और वो हर गांव में जो है वो उनकी अपनी कमेटी बन सकती है। तो फरीद कसर के जवानों की ये मेहनत है, उन्होंने एक काविश किया, और खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे बैरून मुल्क UAE में मुकीम है, हमारे जवान UK में मुकीम है, और डिफरेंट कंट्रीज़ में और गाँव से भी लोग तामन करें। तो इंशाल्लाह इसकी भी हम कोशिश करेंगे, आमिर भाई जैसे एक्टिव मेंबर रहेंगे तो हम दूसरे गांव में भी इसकी उनको एक पैटर्न सेट कर सकते हैं उनके लिए। तो लेकिन पहला फोकस हमारा जो है फरीद कसर, बाकी और कारे कमाल के एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने स्पॉन्सर किया है, भाई है हमारे, तो इन्हीं की वजह से ये मुमकिन हो सका है। हमने तो सहूलत कारी का काम किया है, हम तो इस नेक काम के लिए इधर मौजूद हैं, जो भी नेक काम करना चाहते हैं हम खुद भी करते हैं, लेकिन इसके लिए तो ये खुसूसी मुबारकबाद है मुस्तहिक। थैंक यू वेरी मच सर, आपका सर बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़बरदस्त इंतजाम किए हैं, आपके जो वॉलंटियर्स हैं आपके साथ एक एक पेशेंट को साथ ले कर जा रहे हैं, उनके साथ उनकी गाइडलाइन दे रहे हैं, उनको सर्व कर रहे हैं, तो इसका तमाम क्रेडिट आपको जाता है। आपने माशाल्लाह जो इंतज़ाम किया है, इससे पहले मैंने ज़्यादातर देखा था फ्री मेडिकल कैंप जो डॉक्टर्स अपनी मशहूरी के लिए करते हैं, तो आपने तो लोगों की आवाम की खिदमत के लिए कर रहे हैं। बस हम लोग यही चाहते हैं कि आने वाले जितनी भी जवान नस्ल है वो भी हमारे साथ मिलकर इसी काम में मशगूल हों, क्योंकि ये ऐसा एक क्राइटेरिया है जिसके अंदर इंसान रहकर अपने आप बिल्कुल एक सुकूनियत है, ताकि लोगों को हम लोग चीज़ें फराम करें, उनको हम सहूलियात फराम कर सकें। जैसा कि अभी ये मेडिकल कैंप हो रहा है, तो आफ्टर दिस हम लोगों ने एक स्केड्यूल प्लान किया हुआ है, जिसमें हम इसी स्कूल्स के बच्चों को ओ लेवल्स, ए लेवल्स, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, उसके बाद इनको ई कॉमर्स, ऑनलाइन बिजनेस वगैरह का हम लोग इनको डेवलपमेंट के लिए आगे लेके बढ़ेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इस टाइम बच्चों को अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी स्कूल के बच्चे इंशाल्लाह आफ्टर टू टू थ्री मंथ्स ये बच्चे इंग्लिश लैंग्वेजेस में इंग्लिश में बात बोल चाल करना स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। तो इसके साथ ही अभी ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स ये एक इंटरनेशनल तालीम है, एक इंटरनेशनल एजुकेशन है, ओ लेवल्स की एजुकेशन यहाँ पे फिलहाल बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स हैं उसके, जिसकी वजह से हमारे कई लोग हैं उन बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते, बस 10 पढ़ी और आगे निकल गए, लेकिन हम इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम के बाद हम लोग एक ऐसी अवेयरनेस देंगे लोगों को एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट के लिहाज से, और उसके बाद क्या कहते हैं कि हमारे जो बच्चे इसी गाँव के, चाहे इस गाँव के चाहे कहीं के भी हैं, इस टाइम हमारे साथ खुर्शीद मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज जो कि उसको इस टाइम मैं लीड भी कर रहा हूँ, तो हमारे पास इस टाइम OT टेक्नीशियन, लेबॉर्टी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, उसके बाद डिस्पेंसर्स हो गए, फार्मेसी कैटेगरी भी होगी इस टाइम, जो बच्चे 10th के बाद इक्विलेंसी एक तीर में जैसे कि दो शिकार होते हैं ऐसा हो जाएगा ना फिर, तो उसके अंदर ये रहकर मतलब के साथ में अपने आप को डिवेल्प कर पाएंगे मेडिकल की फील्ड में, और साथ में FSC इक्विलेंसी में उनको डिग्री मिल जाएगी। ज़बरदस्त, हम एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से भी कि वो जो आप खिदमत और जो आपने सोच रखा है गवर्नमेंट के का जो तालीम का जो शोबा है वो भी कुछ इस बारे में सोचे और हमारे बच्चों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी तालीम जो है दिला सके। मैं तो उनसे भी गुजारिश करूंगा कि जो से हमारा एक कनूती तालीमी सिलसिला चल रहा है, गलत नहीं है, सारा अच्छा है, सब अच्छे क्योंकि तालीम है, लेकिन जो हमारा कनूती सिलसिला चल रहा है वही टीचर्स आते हैं, वही स्कूल्स, वही बच्चे पढ़ के चले जाते हैं, एक वही इनकी जो चेन है वो चलती रहती है, और हम लोग चाहते हैं कुछ क्रिएटिविटी हो लोगों के अंदर, चकवाल का नाम इस सरे ज़मीन पर कहीं से उभरे ना लोगों की चीज़ें, हम लाइक दिस हमारी बेसिक्स टीचिंग गाइडेंस है, टीचिंग वर्कशॉप्स हैं, हम लोग लेके आना चाह रहे हैं यहाँ पे टीचिंग गाइडर्स, टीचिंग वर्कशॉप्स, टीचिंग, उसके बाद जिनसे टीचिंग ट्रेनिंग है उनके लिए एक अलग पूरा प्री प्लान स्केड्यूल तैयार हो, जिसमें सबसे पहले तो टीचर्स को एक ऐसे फील पहलाने के साथ तैयार किया जाए कि वो बच्चों को लेने वाले बने, ताकि बच्चों को लेकर आगे आने वाले मुस्तकबिल में फ्यूचर को बच्चों को पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन रहनुमा साबित करें, और हम लोग बस इसी
तगदो में लगे हुए हैं, और आप सबकी दुआएं हमारे साथ, और आप सब हमारे साथ चलें, हम आपके बच्चों की जगह पे हैं, और हम अपनी इस्लाह की नीयत से आप लोगों के साथ जब भी बैठेंगे सोबत के लिहाज से बैठेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तमाम दोस्तों का, और स्पेशली कार कमाल का कि जिन्होंने हमारे साथ ये तआवुन किया, हमारी एक रिक्वेस्ट पे वो हमारे यहाँ हाज़िर हुए हैं। बेशक ये हमारे जहन में था कि शायद हम इसमें कामयाब होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आप लोग ने जिस तरह तआवुन किया, जिस तरह आज कोऑपरेट किया, उसका रिज़ल्ट आप लोग देख रहे हैं। इससे पहले जैसे हमने जनाजा का और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह इवेंट किए हैं, उससे पहले सैलाब के लिए एक इवेंट किया था, तो ये हमारा मेरे ख्याल है 4th या 5th इवेंट है। तो इसकी कामयाबी का बेसिक सारा जो है ना वो जाता है कारे कमाल को, और उसके अलावा हमारे वेलफेयर ट्रस्ट जो फरीद कसर है जिसकी इंतहाई एफर्ट्स है, इसके साथ हमारे पास जो मेरिडियन कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक स्कूल उसका स्टाफ है, तो ये सब दोस्तों के मिली जुली मेहनत जो है ना उसका नतीजा है कि आज देखें हमने गाँव के लिए कितनी फैसिलिटी पैदा की। स्पेशली वो लोग जो यहाँ से ट्रेवल नहीं कर सकते शहर में और इतने एक्सपेंसिव होते हैं रेट्स, तो ये इस तरह के अगर इवेंट्स मेरे ख्याल में यहाँ पे होते रहेंगे तो एक तो लोगों के लिए भी सहूलत होगी, दूसरा हम लोगों का यंग जनरेशन का एक इमेज अच्छा बनेगा कि ये लोग वाकई ही सच में काम कर दिखाते हैं। तो प्रैक्टिकल जो चीज़ आती है वो आपका सबूत होता है कि वाकई ये लोग जो ज़बान से कहते हैं वो साबित होते हैं। तो इंशाल्लाह आइंदा भी हमारे अच्छे खासे प्लान है, जिस तरह नजीब भाई ने भी और बाकी भाई ने भी कहा है, तो उम्मीद है कि अगर आप लोग इसी तरह हमारे साथ तआवुन करते रहे तो इंशाल्लाह हम कभी भी आपको नाउम्मीद नहीं करेंगे जी। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, इस वक्त अबू बकर भाई से हमारी बात हो रही थी, तो अबू बकर भाई ने बहुत सारे ऐसे प्लान बताए जिनके ऊपर हम अमल करके अपने बच्चों को मुल्क के लिए मुफीद शहरी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो सोच जो इन्होंने सोची है वो मुल्क के जो अकाबरीन हैं, जो हमारे ऊपर बैठे हुए इक्तदार आला में जो लोग बैठे हैं, अगर वो भी इस तरह के सोचें तो ये मुल्क हमारे लिए एक ऐसे जन्नत बन सकता है जो किसी ने कभी सोचा भी ना हो। नाज़रीन, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।